गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स में जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा अभिनय अथवा नाटक है, जो कि दृश्य श्रव्य सामग्री का एक रूप है। दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है अभिनय अथवा नाटक। अभिनय या नाटक भी इसको हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले अभिनय या नाटक क्या होता है? तो अर्थशास्त्र शिक्षण में जो नाटक है, नाटक का दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत विशेष महत्व है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सक्रिय रूप प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पर दिखाते हैं तो विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नाटक प्रदर्शन को कला, नाटक प्रदर्शन जो कला होती है, इसे शिक्षा के अंतर्गत नाटकीय करना भी कहते हैं, अभिनय करना भी कहते हैं, और इसे हम नाटक विधि भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो कला शिक्षा है उसमें इस कला शिक्षण जो होता है हमारा, या ये जो अभिनय करना है, नाटक प्रदर्शन एक प्रकार की कला है। तो इस कला के अंतर्गत शिक्षण में इसको नाटकीय करना, अभिनय करना अथवा नाटक विधि कहा जाता है। तो अब नाटक द्वारा छात्रों के मनोरंजन के साथ साथ विभिन्न विषयों की क्या हो जाती है, शिक्षण भी स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। छात्र या शिक्षक ऐतिहासिक या फिर कोई घटना हो या कोई महापुरुष हो, उनकी वेशभूषा से सुसज्जित होकर वहाँ पर प्रदर्शन करता है या उनकी भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार जो वो भूमिका निभाते किसी महापुरुष की या किसी ऐतिहासिक घटना की वेशभूषा धारण करके सुसज्जित होकर जब वो प्रदर्शन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अभिनय विधि कहा जाता है। अब जो है अभिनय विधि का अर्थशास्त्र शिक्षण में क्या महत्व है, तो अर्थशास्त्र शिक्षण में पहले हम इसका महत्व पढ़ लेंगे। पहले तो आपने पढ़ा कि अभिनय विधि या अभिनय नाटक जो होता है उसे क्या कहा जाता है, किस प्रकार से होता है, एक जनरल आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो अभिनय विधि है उसका अर्थशास्त्र शिक्षण में क्या महत्व है। तो इसको इसका जो महत्व बताया था वो दीक्षित और बघेला ने बताया था। इसका महत्व दीक्षित एवं बघेला, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर उन्हें पढ़ने के लिए अभिनय विधि से मान्य कोई अन्य विधि नहीं होगी। यानी कि उन्हें सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान करना है तो अभिनय विधि जो है हमारी, उसके अलावा अन्य कोई विधि ऐसी है ही नहीं जो विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से शिक्षण में लगा के रखे। अब जो है इसके गुण हम बात करेंगे, इनके महत्व के बारे में सिर्फ दीक्षित और बघेला ने एक ही बात कही है। अब जो है अभिनय नाटक के गुण क्या क्या हो सकते हैं, अब इनके गुण में है कि ये अत्यंत रोचक है। क्या है ये विधि अत्यंत रोचक है। क्यों रोचक है, क्योंकि जब किसी का अभिनय करके बताया जाता है तो विद्यार्थी सक्रिय रूप से उसके अंतर्गत भाग लेते हैं, और जैसे वो सक्रिय रूप से उसके अंतर्गत भाग लेंगे तो क्या होगा कि इसका जो महत्व है वो ज़्यादा ही बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है और जो शिक्षण कार्य है वो अत्यधिक रोचक हो जाता है। इसमें क्या होता है, महापुरुषों की जीवनी तथा उनके कार्यों का अभिनय किया जाता है, महापुरुषों की जीवनी और उनके उनके कार्यों का अभिनय। यानी कि जो हमारे महापुरुष है या जो भी ये जो ऐतिहासिक घटनाएं होती है जिसके अंदर महापुरुषों की जीवनी होती है या उनके जो कार्य होते हैं, उन कार्यों का अभिनय द्वारा देखकर उनसे विद्यार्थियों को प्रेरणा ग्रहण करने का मौका मिलता है। क्योंकि जब हम इस प्रकार की महापुरुषों की जीवनी या उनके कार्यों पर प्रकाश डालते हैं या उनका हम अभिनय करवाते हैं तो विद्यार्थी उनकी पहचान तो करते हैं, साथ ही साथ जो उनके साहसिक कार्य होते उनको भी वो अपने प्रेरणा के अंतर्गत ग्रहण करता है। अब क्या है, छात्र के जो गुप्त भाव होते हैं उनका प्रदर्शन कर सकते हैं। छात्र गुप्त भावों का प्रदर्शन
कर पाते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इस प्रकार का अभिनय करवाते हैं तो विद्यार्थियों के जो गुप्त भाव होते हैं वो सारे भाव ही निकल के सामने आ सकते हैं, या फिर वो विद्यार्थी उन गुप्त भावों का प्रदर्शन भी कर सकता है। छात्र के मन में जो भी गुप्त भाव होते हैं उन्हें वो प्रदर्शित कर पाता है। छात्रों की कल्पना शक्ति है या स्मरण शक्ति है उसका विकास होता है, साथ ही साथ उनकी कल्पना शक्ति, चिंतन का विकास, यानी कि जो की कल्पना शक्ति है उन सबका और जो चिंतन की शक्ति है, स्मरण शक्ति, उन सबका विकास इस अभिनय या नाटक विधि के माध्यम से हो सकता है। अब इसके दोष क्या है, जहां इसके गुण है तो वहां पर इसके दोष भी है। पहला दोष इसका है यह अत्यधिक खर्चीली है, किस प्रकार खर्चीली है, क्योंकि यदि किसी ऐतिहासिक घटना को हमें दर्शाना है या फिर हमें किसी महापुरुष की जीवनी या कार्यों पर प्रकाश डालना है तो उसकी वेशभूषा का अरेंजमेंट करना पड़ता है हमें, उसकी जो उसके जो कपड़े होते हैं यानी वेशभूषा होती है उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, और वो आसानी से कम कीमतों पर या कम दरों पर नहीं मिल पाती है और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो अत्यधिक खर्चीली, क्योंकि इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वेशभूषा की जो व्यवस्था करनी होती है वो पैसों के माध्यम से ही हो पाती है। अब नेक्स्ट जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम, पूर्ण कराना, मुश्किल रहता है, क्योंकि जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो इस विधि के माध्यम से नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है और हर पूरा पाठ्यक्रम इस विधि के माध्यम से हम करा ही नहीं सकते, क्योंकि इतना समय नहीं होता है और प्रत्येक इस विधि के अंदर समय बहुत ज़्यादा लगता है। यदि हम एक टॉपिक लेते हैं उनके कार्यों को ही दर्शा रहे तो उसके बाद में हमारे पाठ्यक्रम में हमारे पास बहुत सारे प्रकरण होते हैं जिनको हमें कंप्लीट कराना होता है, तो इस विधि के माध्यम से हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं सिर्फ कुछ अंशों को ही पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका है कि इसमें क्या होता है कि यदि हम अभिनय में जो छात्रों का चयन करते हैं, अभिनय में छात्र का चयन गलत प्रभाव डाल सकता है, गलत प्रभाव डालता है शिक्षण पर, किस प्रकार। यदि मान लीजिए हमने इसके अंतर्गत विद्यार्थी को चयन किया है किसी प्रकरण के लिए अभिनय कराने हेतु, तो वो हमारा चयन यदि हमने छात्र को गलत चयन कर दिया, अभिनय में छात्रों का चयन के अंदर हम यदि जरा सी भी गलती करते हैं, जरा सी लापरवाही करते हैं तो वो विद्यार्थियों के शिक्षण पर वो विपरीत प्रभाव डाल देता है, यानी प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि वो सही से नहीं कर पाएंगे तो वो गलत प्रभाव शिक्षण का जो गलत प्रभाव है वो सीधा जाके विद्यार्थियों पर ही पड़ता है। और इसका एक और जो कारण है, इसकी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, इसका दोष एक और है, पूर्व तैयारी के बिना संभव नहीं। जब इसकी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है और अचानक से इस विधि का प्रयोग हम कक्षा में नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पहले से हमें पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद में हम इस जो है हमारे पास में अभिनव अथवा नाटक उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने देखो आज पढ़ा था जो था हमारा अभिनय नाटक क्या क्या होता है, मतलब किसी महापुरुष की या कोई ऐतिहासिक घटनाओं को की वेशभूषा से सुसज्जित होकर उनका कार्यों का या उनके प्रभावों का या उनके जो भी गुण हैं उनका प्रदर्शन करना, नाटक विधि अभिनय करना या नाट्य करना कहलाता है। इसके अतिरिक्त इसका जो महत्व दीक्षित एवं बघेला ने बताया था कि विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से जो शिक्षण के अंदर जो सक्रिय रूप होता है विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना है, तो उन्हें पढ़ने के लिए हम अभिनय विधि के अलावा कोई और अन्य ऐसी विधि नहीं जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, ये इसका महत्व था। और गुण इसके थे कि अत्यंत रोचक होती है, महापुरुषों की जीवन उनके कार्यों का अभिनय जब हम करके कक्षा में प्रदर्शन करते हैं तो विद्यार्थी उनके कार्यों का उनके गुणों का अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। दूसरा जो हमने पढ़ा था कि जो छात्र है
वो उनके जो मन के भाव होते हैं उनको प्रदर्शित कर पाते हैं, छात्रों की जो कल्पना है, स्मरण शक्ति है या उनके चिंतन शक्ति, उसका विकास होता है। साथ ही साथ इसके दोष भी बताए थे कि अत्यधिक खर्चीली होती है, इसमें समय अधिक लगता है और जो है संपूर्ण विषय को पूर्ण कराना इसके माध्यम से संभव नहीं है। अभिनय में छात्रों का अगर हम जरा से भी चयन करने में लापरवाही करते तो इसका प्रतिकूल, शिक्षण का प्रतिकूल प्रभाव भी विद्यार्थियों पर पड़ने की संभावना होती है और इसकी पूर्व तैयारी भी आवश्यक है। पूर्व तैयारी के बिना हम इसको अचानक से इस विधि का प्रयोग कक्षा में नहीं कर सकते। तो आज जो हमने पढ़ा था अभिनय अथवा नाटक, जो दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में विशेष रूप से काम में लिया जाता है। थैंक यू।